जब से नमक में मशीनी कारोबार जुड़ना शुरू हुआ उसके बाद से नमक उद्योग में काफ़ी तरक्की हुई है और हमारे साथ राजवीर सिंह जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर एक बात बताएं, पहले कैसे नमक होता था और आज किस तरीके से नमक का प्रोडक्शन हो रहा है? वैसे नमक बनाने की ट्रेडिशनल जो टाइप है वो लोग नमक पकाते थे और उसमें मैन्युअली मतलब काम होता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होने लगा इस लाइन में और आज बड़े बड़े सोल्ट के पान बनने लगे और उसमें से मशीन से नमक निकालना चालू कर दिया है। तो ये जो मशीन से नमक बनाने की पद्धति है ये कब शुरू की? कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने भी कुछ इनिशिएट लिया था इसको लेकर। ये शायद 10 साल से ये थोड़ा चेंज होने लगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली, एक साथ तो नहीं हुआ लेकिन जो धीरे धीरे ये सब चेंज होने लगा। और ये कोइंसिडेंट बोल सकते हैं अपन के उसके टाइम में, लेकिन वो जब उसके यहाँ मुख्यमंत्री होते हुए उसने बहुत इंटरेस्ट लिया इस लाइन में, उसमें भी दो मत नहीं है उसमें। एक बात बताएं, आज की तारीख में नमक के अगर हम कामकाज की बात करें तो कितने देश प्रगति कर रहा है इसको लेकर? नहीं, ये नमक का हमारा ऑल ओवर इंडिया का 300 लाख टन नमक का उत्पादन है और हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हैं, तो प्रोडक्शन में ग्रोथ भी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी बन रही है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है। यहाँ से कहाँ कहाँ जो है एक्सपोर्ट हो रहा है अगर हम नमक की बात करें तो? एक्सपोर्ट मेनली चाइना भी हो रहा है, गल्फ कंट्री में हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है और सभी जगह हो रहा है। किस तरह के नमक की डिमांड यूरोप में है और उस नमक का क्या काम करते हैं यूरोपियन? ये बेसिकली अच्छी क्वालिटी का नमक जो होता है, प्योर नमक होता है, उसमें केमिकल इम्प्योरिटी कम हो ऐसा नमक होता है, वो जाता है, एक्सपोर्ट होता है और उसमें एक्चुअली क्लोरोअल्कली बेस्ड यूनिट होता है उसमें यूज़ होता है, जैसे कॉस्टिक सोडा है, सोडा ऐसे वगैरह यूज़ होता है। जैसे यूरोप कंट्री में डीआईसिंग का जो बड़ा इश्यू होता है उसमें भी नमक का यूज़ होता है, वो यहाँ से अच्छा खासा नमक जाता है। बर्फ़ जब बहुत ज़्यादा जम जाती है तो बर्फ़ को हटाने के लिए भी नमक इसके लिए नमक चाहिए, डीआईसिंग के लिए उसका यूज़ होता है नमक का। उसमें क्या होता है उस पूरे प्रोसेस में? ये उसको नमक में नमक डालते हैं उसमें तो ये थोड़ा कच्चा हो जाता है, तो फिर उसको मतलब मूवमेंट करने में, बर्फ़ को निकालने में उसका ज़रूर होती है उसमें। तो आज की तारीख में आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जो अगल बगल के पोर्ट है, चाहे मुंद्रा हो गया या कांडला हो गया, इनसे सबसे ज़्यादा नमक जो है यहाँ से जा रहा है? हाँ, कांडला पोर्ट यहाँ से मेजर डिस्पैच है, यहाँ से छोटा जो पोर्ट है हमारा नवलखी यहाँ मालिया में, वहाँ से भी जाता है, लेकिन मेनली कांडला पोर्ट से, मेजर पोर्ट है कांडला मेजर पोर्ट से जाता है। आपको लग रहा है कि जो मशीन है ये उन सारी चीज़ों को दूर कर देगा जिसमें कि लोगों को आम तरीके से बनाते हैं नमक उसमें परेशानी होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये एक्सपांशन हो रहा है इस लाइन में, ये नहीं है कि मतलब चेंज हो रहा है, ये नहीं है, काम एक्सपांड हो रहा है, प्रोडक्शन लास्ट 10-15 साल में प्रोडक्शन यहाँ का बढ़ रहा है, ग्रेजुअल बढ़ रहा है, यहाँ की पर एकड़ यील्ड भी बढ़ रही है, तो ये एक्सपांड हो रहा है उसमें कुछ नहीं। और सरकार से कोई डिमांड है आप लोगों की? नहीं, वैसे तो कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरे रीजन के कंपेयर में यहाँ मालिया में थोड़ा कम है, तो उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी उसमें साथ दे रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ के नमक की धूम अब यूरोप के बाज़ारों में है और जो दूसरे हैं जैसे चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ भी नमक की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है हिंदुस्तानी नमक की। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस इंफ्रास्ट्रक्चर की है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके ताकि प्रोडक्शन को और अच्छे तरीके से किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा मांग भी हो रही है और उस मांग को पूरा किया जा सकेगा। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, मालिया।